अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 11th क्लास न्यू बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुका था, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इसे लेट कर लेना है। लेट करते हैं, लेट जेड के, जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है, 2i3 - 5i, ठीक है। ये हमने जेड के इक्वल ले लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जेड इक्वल 2 3 = 6i प्लस माइनस 2 5 = 10i² ठीक है। अब देखिए यहाँ पे z इक्वल 6i - 10i² हमारा होता है -1 के इक्वल, ठीक है। z इक्वल 6i - -10, ठीक है। अब मैं रियल नंबर, ये जो सिंपल नंबर है हमें से, ये हमारा इमेज वो रियल नंबर कहलाता है और आयोडा वाला इमेजिनरी नंबर कहलाता है। मतलब इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इससे पहले रियल पार्ट लिख लूंगा, 10 + 6i, पहले मैं रियल पार्ट लिख लिया फिर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा होता है रियल में से, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कैपिटल आर ई, मैं इसे ऐसे डिनोट करूंगा, रियल नंबर को ऐसे डिनोट करूंगा और जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर हमारा क्या आया है 10। यहां से हमारा देखें रियल नंबर निकल गया 10। अब इमेजिनरी नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, आई एम जेड इक्वल किसके आया हमारा 6, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए जब भी इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी नंबर हमारा आया है कॉम्प्लेक्स नंबर से किसके इक्वल आया 6 के, और रियल नंबर जो हमारा आया कॉम्प्लेक्स नंबर से किसके इक्वल आया 10 के। जब भी इमेजिनरी नंबर हम लिखेंगे उसमें आयोडा हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन से, ये जस्ट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके के फॉर्म में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी इस तरीके का फॉर्म आ जाए डिनोमिनेटर में जो साइन होगा हमें उसे अल्टरनेट साइन करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो मैं इसे लेट करूंगा, लेट जेड इक्वल √5 + i² / √5 - i², ठीक है। मैंने इसे लेट के लिए जेड के, जेड हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5 + i² / √5, ठीक है। इसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए जेड इक्वल्स √5 + i² / √5 - i², ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग करवाना है हमें, √5 + i², ठीक है। अब हम इधर उतारेंगे जेड, देखें √5 से मल्टीप्लाई होगा, देखें यहाँ पे √5 का हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब √5 जो है हमारा आयोडा से मल्टीप्लाई होगा तो +√5 i² आ जाएगा, ठीक है। अब आयोडा जो है √5 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा √5 i², ठीक है। अब आयोडा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा +i² z इक्वल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो रहा है हमारा 5 प्लस, देखें ये भी ये दोनों ऐड हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा 2
अंडर रूट 5 आयोडा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आयोडा स्क्वायर हमारा माइनस वन के बराबर होता है, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस, माइनस प्लस माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे ठीक है। अब देखें z इक्वल टू, z इक्वल्स टू, अब देखें यहां पे मैं ऐसे जरा पहले नीचे लिख लेता हूं। देखें a माइनस बी ए प्लस बी, हमारा फार्मूला है किसका इक्वल होता है, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा a है ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है। अब देखें यहां पे z इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोडा प्लस माइनस, माइनस का यहां पे 1 आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो रहा है 5। अब देखें आयोडा स्क्वायर हमारा माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया डायरेक्ट। अब देखें z इक्वल्स 5 माइनस 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोडा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब मैं से अब डिनोमिनेटर में देखें हमारा 6 है, मैं एलसीएम ब्रेक करके इसे लिख लूंगा। तो देखें यहां पे z इक्वल 4 ओवर 6 प्लस 2 रूट 5 आयोडा, डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 6। अब देखें ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखें यहां पे z हमारा क्या आ गया 2 ओवर 3 प्लस रूट 5 आयोडा ओवर 3। अब हमें बताना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो मैं r e z रियल पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या आ रहा है 2 ओवर 3, तो ये हमारा देखें ये हमारा रियल पार्ट आ गया। अब हमें बताना है इमेजिनरी पार्ट, तो मैं आई एम डिनोट करूंगा z से इक्वल, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है रूट 5 ओवर 3, यहां से देखें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिया करिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, आप लोग को इजीली होगा वहां से सारे वीडियो आप लोगों को सीरियल वाइज सीरियल मिल जाएंगे। सो तब तक के इजाज़त दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।